तो आज की वीडियो है दो अलग जगहों के ऊपर, जिनमें से एक है पहाड़ों के बीच और दूसरा है एक बहुत ही सुंदर द्वीप। और ये दोनों ही जगहें हैं जापान में बहुत फेमस। और ऐसा क्यों, तो फिर चलो चलते हैं। तो पहले चलते हैं समुद्र के किनारे, एक्चुअली समुद्र के दूसरे किनारे। तो ये एक अलग आइलैंड है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा पानी के जहाज का, जो कि आपको मिलेगा हिरोशिमा से। वैसे आप बाकी दूसरी जगहों से भी आ सकते हो, लेकिन ये जगह पड़ती है हिरोशिमा के नज़दीक। तो टिकट लेने के बाद हम निकल गए सैर पे। तो जब तक वहाँ पहुँचते हैं, तब तक इस आइलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस आइलैंड का नाम है मियाजीमा, हिंदी में अनुवाद करें तो श्राइन का द्वीप। तो जैसे भारत में एक जगह है जिसे कहते हैं देवभूमि, और वो जगह कौन सी है ये आप मुझे बताना। वैसे ही जापान में इस आइलैंड को कहा जाता है देवभूमि, और कहते हैं कि इस आइलैंड में है भगवान का वास। वैसे इसका एक दूसरा नाम भी है, इत्सुकुशिमा। सीमा जापानीज में आइलैंड को कहते हैं। और यहाँ पहुंच के आशीर्वाद के रूप में हमें मिली बारिश, लेकिन बहुत तेज नहीं, इतनी कि जिसमें कि आप छाता लेके घूम सकते हो। तो छाता लेने के बाद हम निकल गए इस आइलैंड के सबसे फेमस स्पॉट पे, जो कि है एक श्राइन। और इस श्राइन को यूनिक बनाता है ये तोरी गेट, जो कि है समुद्र में। लेकिन अगर आप अनलक्की रहे तो आपको मिल सकता है कुछ ऐसा देखने को। वैसे हो सकता है कि किसी को बिना पानी के भी सुंदर लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पानी की वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और ये है वो स्पॉट जहां पर से कि इस तोरी गेट के साथ आप फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। और लाइन से थोड़ा दूर हटकर हमने देखी एक दूसरी जगह, और हमने इसी जगह से अपना काम चला लिया। वैसे इस तोरी गेट के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ये श्राइन, और इस श्राइन में हो रही है अभी पूजा। और ये सारी चीजें बनाती है इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जापान की दूसरी जगह है जहां पर आपको रोडों पे हिरन घूमते हुए दिख जाएंगे। पहली जगह याद है ना, नारा। लेकिन नारा के हिरणों की तरह यहाँ के हिरणों को आप खाना नहीं खिला सकते। गवर्नमेंट ने यहाँ के हिरणों को सिर्फ घास खाने की ही परमिशन दी हुई है। और बाकी टूरिस्ट स्पॉट की तरह यहाँ पर भी हैं कुछ शॉप्स। हमें देखियो अंडा किसमें नहीं है। पहले वेज वाला पूछ ले। मैम साहब, मैं वीडियो बना रहा था। मार दे भाई। ये। हाय। अरिगातो गोजाइमास। ओरियो। और जैसे हर एक जगह का कुछ ना कुछ खाना फेमस होता है, इस जगह का सी फूड बहुत फेमस है, स्पेशली ओयस्टर। अगर आपको सी फूड अच्छा लगता है, और अगर नहीं तो आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को। एक तरीके का पैनकेक होता है जिसे कहते हैं मंजू, पूरा नाम मोमिजी मंजू, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये आती है अलग अलग फ्लेवर में, जिसमें रेड बीन, चॉकलेट, क्रीम और माचा। माचा मतलब ग्रीन टी। तो जापान में ग्रीन टी आलू जैसी है, जो कि आपको हर एक चीज में मिल जाएगी, तब चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या फिर स्वीट्स। और बहुत से लोग जापान में पानी की जगह ग्रीन टी पीते हैं, और ग्रीन टी आपको बिकते हुए दिख जाएगी हर जगह, तब चाहे वो सुपरमार्केट हो या फिर वेंडिंग मशीन। और इतना ज्ञान मैं इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जगह है वो है ग्रीन टी हब, मतलब कि टी फार्म। और इसी जगह उगाई जाती है जापान की हाई क्वालिटी टी।
आप कौन है? बगल में खड़े हो रखे हो, बेकार लग रहे हो, बेकार लग रहे हो, इसलिए तो कहा मैंने आप कौन हो। तो आज हमें जापान के फेमस टी फार्म एरिया में, इस पूरे इलाके में आपको सिर्फ दिखेंगे टी के फार्म, वो भी बहुत बड़े बड़े। और जापान की टी फार्मिंग के लिए ये जगह बहुत फेमस है। इसका नाम है वजुका, जो पड़ती है क्योतो में। और अभी जहाँ पर हम हैं, हमारे अगल बगल चारों तरफ है इस समय टी प्लांटेशन। और यहाँ हाई क्वालिटी टी क्यों होती है, इसके पीछे भी एक यूनिक रीजन है, वो है यहाँ का यूनिक वेदर। यहाँ दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है, जो कि कहते हैं कि टी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस जगह को सुटेबल बनाती है बेस्ट टी प्रोड्यूस करने के लिए। यहीं से सप्लाई होती है ज्यादातर जापान में ग्रीन टी। दार्जिलिंग है जापान का। और 800 साल के बाद आज भी यहाँ की टी अपने फ्लेवर के लिए फेमस है। और टी फार्मिंग के अलावा ये जगह देती है बहुत ही सुंदर सीनरीज, और इसीलिए टूरिस्ट के बीच में ये जगह धीरे धीरे फेमस हो रही है।